एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो तीन चार और सुनाऊंगा। हम कवियों के साथ क्या क्या हो जाता है कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोक कर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैं बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ, बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। जब मैं नौकरी किया करता था जी, पढ़ाता था बच्चों को, बच्चे कितने उस्ताद हो गए, कभी कभी किसी बात का क्या जवाब दे, मैं परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। अच्छा, बच्चे को जवाब आता नहीं था जो प्रश्न दे रखा था, किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा था, फलाने नेता कौन है, बच्चे ने लिख रखा था यह बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं आ रहा था अभी यहाँ स्टूडियो में तो आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, लिखा हुआ था हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। आपको अपनी लंबाई की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती अजनबी जी? नहीं, दिक्कत तो होती है। अच्छा, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया ये नींबू क्या भाव दिया, उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। कवियों के साथ बड़ी दिक्कत वाली बात यह होती है कि अगर कोई कवि को ठीक से नहीं सुने, हूट कर दे, तो उसे सदमा लग सकता है कवि को। भाई साहब जी, मुझे सदमा लगा तो मेरी याददाश्त चली गई। अच्छा, उस याददाश्त के जाने की कहानी आपको सुना रहा हूँ जी, सुनाइए। कि एक कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला, तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं, हालत इतनी खराब है जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ के घुस जाता। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ, एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता कवि सम्मेलन में लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, एक घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा माफ़ करना आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था वही देख लेते। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता है कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह तो मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया, आधा किलो नमक, 5 किलो आटा, 1 किलो गोभी, 1/2 किलो परवल, 1/2 चाय, 2 किलो चावल। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के, अनुशासन की, कविता पढ़ रहा है या लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाया जाओ, वाह वाह इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना है, हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फ्रेम में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है। जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं, एक बार तो दाढ़ी बनाने के बाद और भी गजब कर दिया जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ, मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कुकू करता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दुम हिलाते हुए पहले मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ,
पत्नी रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। अच्छा। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं चल पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और मित्रों भूलने का आलम यह है, सड़क पर खड़े हुए तो चलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया प्लस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी प्लस्तर वहीं पर चढ़ा। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन मित्रों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं ये सारे कवि, आप और हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं, हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं अपना दीनों ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा, हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा, और हायर ए टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है, वाह वाह वाह। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे, नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है, और कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। दोस्तों भूलो की इस भूल भुलैया में, हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ जी। अभी देखिए पिछले दिनों बारिश का मौसम था, हम एक दुकान पे गए थे छाता खरीदने, और अब हमने देखिए उस दुकान वाले से क्या कहा और उसने हमको क्या जवाब दिया। कि एक दुकान वाले से ये मैंने कहा, मानने वाले छाता एक बड़ा मजबूत दिखलाइए, रीजनेबल हो, रेट कलर भी ना हो, फेड उम्र भर साथ दे जो ऐसा हो बताइए। तो बोला ये दुकानदार, छाता ये चलेगा खूब आइडिया, बस आप मेरा अपनाइए, सावधानी तनी सी बस किए रहिएगा, धूप बार साथ में ना इसको लगाइए। कि आजकल देखिए पश्चिमी सभ्यता का असर जो महानगरों में शहरों में है, आज सड़क पर निकलते हैं ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं कि जिसको आप कील समझते हैं वो खंभा निकलता है जी। ऐसा ही एक दृश्य देखिएगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि चेहरे पे लालिमा है, अधर है लाल लाल, नागिन सी जुल्फों को लहरा के आ गई, छल गई छल से वो कामदेव को भा गई, साट कटे कपड़ों में मेन काहे आ गई, क्यों चील पहन के झटक के भाल चले, जवानों से ज्यादा बूढ़ों पे जवानी छा गई। अच्छा। पश्चिमी बिहार का असर कुछ ऐसा हुआ, चाची भी पहन के अब जींस टॉप आ गई। चार पंक्तियां और इसी खानदान की सुने। बस अड्डे पे खड़ा मैं गीत ये है गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है, और आंख जिस से लड़ी है दिखने में वो परी है, खूबसूरत बला वो पास मेरे खड़ी है, तो बोली मुस्कुरा के वह हो अभी नादान, तुम मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है, जिससे तेरी आंख लड़ी घोर से तू देख जा रहा, उम्र में वो तेरी मम्मी से भी बड़ी है। और आजकल देखिए साहब मोबाइल कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। चार पंक्तियाँ मैं मोबाइल पे पढ़ता हूँ, सुने। कि एक भीख मंगा के मेरे द्वारे पर बोला, भूखा हूँ मैं बेटा जरा कुछ तो पसीजिए, मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है, अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए, तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए।
लीजिए। खाना पानी करे जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस गाल मार लीजिए। और चार पंक्तियां अंतिम पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि आजकल देखिए जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नियां अपने गुस्से को किस तरह से प्रकट करती हैं? बताइए कि मायके जाना आपके लिए विशेष है जी। मायके जाने की अनुमति यदि ना मिले तो कुकर कढ़ाई भगोने से भिड़ती हैं ये। जिस दिन पानी की समस्या अति हो बिकट उस दिन साबुन पे टूट पड़ती है ये। कि अपने पिता व भाई को ही मानती है तो उपदेशी कट्टे जैसा पति को समझती है ये। शादी के ही साल बस माधुरी सी लगती है, उम्र भर शशिकला भांति लड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।